की दुकान तो बहुत बड़ी लगी हुई है, 5-6 बंदे बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि भाई। तो भाई पहला आइटम है मेरा ये वाला, तो ये वाला जो आइटम है ये लगेगा उसमें क्या बोलते हैं हेलमेट में। तो भाई फाइनली ये ऐसा लग रहा है देखने में। मशीन मारी उसने, मशीन करते करते मेरी आधी भवरी उड़ा दी मेरे यहाँ से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज डेट है 16 अप्रैल, और बस अभी सोके उठे हैं और थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, कल दादा ना कचर पचर खा लिया। और मम्मी यहाँ पे गेहूँ बना रही है, ये एक्चुअली उन्होंने गेहूँ धो दिया रात को, अब सुबह छत में सुखाने के लिए आ रखे हैं। एक पैकेट हमने बंद कर दिया वहाँ पर और दूसरा पैकेट ही अब सुखाने के लिए आ गए हैं बस। और गाइस आज बाल भी कटवाने हैं थोड़ा सा, और अनबॉक्सिंग भी करनी है उन चीज़ों की जो मैं कल लेके आएगा फार मार्केट से। तो भाई तबीयत थोड़ी कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है, और ना ऐसा लग रहा है कुछ पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, और कमज़ोरी फील हो रही है, कमज़ोरी टाइप में। और ये एक फर्स्ट एड में हमारे कैप्सूल पड़ी हुई है थोड़े पेट के प्रॉब्लम के लिए आई है, लेकिन मम्मी कह रही है कि ना खाली पेट नहीं खाना, तो अभी थोड़ा सा 1-2 केले खा लूँगा, उसके बाद फिर ये वाली गोली खानी है। और ना अभी 2 सेट क्वेश्चन के ही बच रहे हैं, वो भी करने हैं, और बाल भी कटवाना जाना है, तो पता नहीं ना अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा कैसे नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मर गए होंगे, बिल्कुल कमजोरी टाइप की। रात तो कचर पचर ही बहुत ज़्यादा खा लिया था ना, उस चक्कर में शायद थोड़ा सा हो रहा है प्रॉब्लम अभी। ये देखो भाई दीवार से ना चींटियाँ वगैरह काफ़ी सारी निकल रही हैं, ये इस वाले छेद से, ये वाले छेद से, पहले यहाँ से निकल रही थी, इधर से इधर इसका मुँह बंद करा, इधर इसका मुँह बंद करा, फिर इधर थोड़ा सा इसका मुँह बंद करा, लेकिन अब ये क्या है कि मेहनती ज़्यादा होती है ना, तो कहीं ना कहीं से निकल ही रही हैं, तो इसका मुँह इधर से बंद करना पड़ेगा। और ये क्या कर रही थी, गेहूँ में घुस जा रही थी। अब देखो थोड़ा सा अगर आना कम हो, अब वो दूसरा छेद ढूंढ लेगी कहीं से। सुबह से तो कमजोरी सी फील हो रही थोड़ा सा, और अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा सर में दर्द ज़्यादा स्टार्ट हो गया, क्योंकि लैपटॉप में काम कर रहा हूँ पीछे, तो उसके आंखों से चमक आ रही, चश्मा पहन रहा हूँ तो वो लाइट की रिफ्लेक्शन तो पड़ रही है। तो अभी एक पैरासीटामोल खा रहा हूँ थोड़ा सर दर्द के लिए, और हल्का फुल्का अगर जो कमजोरी है, थोड़ा बुखार भी अगर होगा तो उससे उतर जाएगा। तो भाई चल गया फिर से मिठू खाना देने के लिए, और ये इस गली में जाना है आंटी घर के लिए। काम वाम तो कर लिया मैंने, अब बाल हो रखे बड़े काफी ज्यादा, अब बाल कटवाने जाना है, और टाइम हो गया अभी 8 बज लिए, अब जा रहे हैं बस बाल कटवाते हैं, नहाते धोते हैं, फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। उसकी अनबॉक्सिंग तो खैर करी पड़ी है ना, कल गफ्फार गया था मैं, तो अनबॉक्सिंग मैंने वहाँ कर रखी थी, बिना देखे कैसे लेके आता। हाँ लेकिन ये कि दिखा देंगे, उसमें काफ़ी लोगों के होता है ना, पता नहीं होता कि ये चीज़ें कितनी मिलती है, कहाँ से मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल रही नहीं मिल रही। ऑनलाइन मैंने देखा तो साला जो रेट में यहाँ लेके आ रखा था वो ऑनलाइन में रेट मिल रहा है। चलो कोई बात, थोड़ा घूम घूम के आगे बस, फिर भी संडे की भी डलेगी रहते हैं वे, सारे के सारे कारीगर बाहर निकल गए। नाई की दुकान तो बहुत बड़ी लगी हुई है, 5-6 बंदे बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम 2-1 घंटे बाद आइयो। अब मैंने कहा यार 1 घंटे बाद फिर क्या ही टाइम हो जाएगा, मैंने कहा चलो जब तक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सामान की जो मैं लेकर आया था कल। तो भाई पहला आइटम है मेरा ये वाला, ये हो गया हमारा ट्राईपॉड, गोरिल्ला वाला नहीं है, गोरिल्ला वाला मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था वो देखने में ना, ये ज़्यादा बेटर है फिर उससे। तो इसमें कम से कम वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा दूर तो रहेगा उसमें, जैसे हाथ में बनाता हूँ ना तो एकदम चेहरा ऐसा लगता है बिल्कुल ही पास आ रखा होगा। ओरिजिनल वाला ये नहीं है, इसका ओरिजिनल वाला उसने ये दे रखा था, ये तो मैंने कहा फिर एक ना एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, कभी होता ना कभी कभी ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, तो ये मैंने उससे एक्स्ट्रा ले रखा था अलग से। इसने मेरे से 50 रुपये लिए इसके, जबकि ये है बेकार था तो कोई खास नहीं है, लेकिन ये है कि आपका फ़ोन वोन इसमें सही से पकड़ा जाएगा तो उसमें सही से आप कर सकते हो। और ये हो गया पहला आइटम, और दूसरा लेके आया मैं ये वाला, ये हो गया मेरा उसका हेलमेट का माउंट। तो ये वाला जो आइटम है ये लगेगा उसमें क्या बोलते हैं हेलमेट में, ये स्टक होता है, इसकी रिबन्स लगते हैं, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं तो गफ्फार से लेके आया,
फिर उसने दो आइटम दे रखे हैं, ये वाला आइटम ज़्यादा मजबूत है, ये है मोबाइल पकड़ने के लिए, तो इसका ये ऐसे घूमता है, ऐसे खुलता है, जितना आपको मोबाइल के लिए चाहिए उतना ठीक है, बाकी का आप उसमें बंद कर दो। सेकंड आइटम उसने दिया मेरे को ये वाला, इन दो में से कोई एक ना, इन दो में से कोई एक गोप्रो के लिए होता है, अब वो पता नहीं कौन सा है, शायद ये वाला है, ये वाला है शायद गोप्रो के लिए, ये वाला है, इन दो में से कोई एक सा गोप्रो के लिए, पता नहीं कौन सा है, ये एक्स्ट्रा नेट दे रखा है, कभी नेटवर्क हो जाए ना एक्स्ट्रा में, इसलिए दे रखा है। और ये की लगती है नॉर्मली इसके अंदर, ये जब आप यहाँ पर सेट करोगे इसको तब ये लगती है, तो कम से कम मैं बाइक में जाऊँगा तब तो वीडियो बना ही सकता हूँ, पहले नहीं था। ये आया 400 रुपये का, 450 कह रहा था मेरे को, मैंने कहा भाई 400 में दे रहा तो दे दे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ऑनलाइन, ऑनलाइन मुझे लगा शायद वहाँ पे सस्ता मिल रहा होगा, मैंने ऑनलाइन चेक नहीं करा, ऑनलाइन जो चेक करे वो महंगे वाले थे, तो मैंने कहा ये ठीक है, ये थोड़ा अफोर्डेबल भी है, बढ़िया है। और ये उसने दिया मेरे को 250 रुपये में, बिल्कुल ब्रांड न्यू था 250 रुपये में, लेकिन इसका ये ऊपर का ये नहीं था, ये वाला लगा हुआ था, मैंने लगा दिया। और ये उसने मुझे दिया 50 रुपये में, जबकि इतना कोई खास है नहीं, 50 रुपये में बेको बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये 300 का ये पड़ गया, 250 का और 50 का ये ऊपर का, 300 का या 400 या 700 का, 700 का सामान पड़ गया मेरे को पूरा का पूरा। तो गाइस फाइनली ये ऐसा लग रहा है देखने में, ये मेरा वेगा का हेलमेट है, मैंने 1100 रुपये का लिया था, ये डबल साइड वो है, डबल साइड मतलब कि ये खुलता भी है, यहाँ से खोल के इसका ऊपर कर दोगे आप, तो माउंट मैंने करा तो ये ऐसे दिखता है कुछ। अब एक पार्ट ये है, एक पार्ट सेकेंड पार्ट इसका ये है नीचे की तरफ को इतना, और थर्ड पार्ट ये है, तो मेरा कैमरा इसमें ऐसे सेट होगा, कैमरा ही मतलब मोबाइल ऐसे करके मैंने लगा के देखा, बिल्कुल परफेक्ट फिट है और बहुत सही लग रहा है ऐसे में। और जो मेरा गोरिल्ला पॉड था उससे मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो मैंने हाथ में पकड़ रखा है, दिखाता हूँ आपको, लाइट जलानी पड़ेगी पहले यहाँ से, ये देखो भाई ये मेरे हाथ में है, अब थोड़ा सही लग रहा है मुझे इसमें ना, पहले थोड़ा अजीब लगता था, बिल्कुल हाथ पास पास में रहता था, अब बढ़िया लग रहा है। तो भाई इतना फ़र्क पड़ जाता है एक गोरिल्ला पॉड होने से ना, थोड़ा सा ज़्यादा व्यू इसमें अब अच्छा आ रहा है, पहले चेहरा बिल्कुल एकदम पास में आ जाता था, अब थोड़ा सा इसमें दूर आ रहा है, वहाँ बॉडी वॉडी थोड़ी सी दिख रहा है, थोड़ा सा वाइड एंगल भी व्यू इसमें आ रहा है, लेकिन मेरे मोबाइल में ना वाइड एंगल वाला ऑप्शन है नहीं है, तो ये मोबाइल बढ़िया था, मैंने तो खैर सेकंड हैंड लिया था मोबाइल 11000 रुपये का, वैसे 21000 रुपये का दस टाइम पे है वीवो V73, इसमें वाइड एंगल का ऑप्शन ही नहीं है, मेरे दोस्त के पास है वनप्लस का, वनप्लस नॉर्ड टू, उसमें वाइड एंगल का ऑप्शन है, तो उसको 0.5 तक ले जाता है मेरा, 1x तक रहता है उसमें, अब मुझे सही लग रहा है बनाने में इसमें, लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा ना इसको हाथ में लेके कैसे घूमना, अब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो लेके घूमेंगे, उनके लिए तो सही है, उनको तो आदत है इन चीज़ों की, मैं अभी तक इसे लेके कहीं घूमा नहीं, बढ़िया लग रहा है। ये हमारा QR कोड है, लेकिन ये सीक्रेट है। तो भाई बाल कटवाने जाना है, लेकिन वहाँ लग रही है अभी भीड़, मैं फिर देख के आ गया, फिर से वहाँ भीड़ है, 9:20 अभी टाइम हो गया है, अब पता नहीं मैं कटाने जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, एक तो ना मेरे आगे से बाल उड़ गए यार, पता नहीं क्या हो गया इनको, मैं पढ़ाई वढ़ाई मैंने ज़्यादा कर ली थी उस टाइम पे, तो मेरे बाल ना बिल्कुल ही देखो आगे से बिल्कुल खाली सा हो गया। अब मैं इसमें करूँगा शीर्षासन, मैंने सुना है शीर्षासन करने से अच्छा हो जाता, मुझे आता भी करना, लेकिन मैं डेली कर नहीं पाता यार, शीर्षासन नहीं कर पाता मैं डेली, आज थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, सर में दर्द हो गया था दिन में, बिल्कुल इधर चटकने लग गया था, तो फिर गोली खाई पैरासीटामोल, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, कल पता नहीं कल खा लिया कचर पचर, सुबह फिर मैंने क्या करा, सुबह मैंने एक केला खाया, मम्मी ने बोला कि भाई खाली पेट गोली नहीं खानी, एक केला खाया, फिर मैंने पेंडी खाई, पेंडी एक टैबलेट है उसकी पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह होने वाली, तो वो पेंडी खाई, उसके बाद फिर दिन में कुछ नहीं खाया, लैपटॉप में काम ही कर रहा था, वो क्वेश्चन वगैरह भी बनाने होते हैं, उसके बाद फिर एक पैरासीटामोल खाई दिन में, जब सर्द होने से ज़्यादा लग गया था ना, फिर पैरासीटामोल खा ली थी एक, उसके बाद फिर अभी शाम हो गई 9:30, सुबह से कुछ नहीं खा रखा, एक केला खा रखा बस वही, और अब बाल कटवा के आऊँगा, फिर मुझे नहाना भी है, उस नहाने के बाद फिर मैं एक पैरासीटामोल और खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह ऑफिस जाना है, और फिर 4 फाइलें और आ गई, 1 फाइल पेंडिंग पड़ी है कल की, 4 फाइलें और आ गई हैं, उन फाइलों को बनाना है, अब काम जाता है यार इस महीने अप्रैल में ना थोड़ा सा काम हैक्टिक है, तो चलो फिर अब जाते हैं, बाल कटा के आता हूँ, बाल क्या कटाऊँगा यार, एक तो वैसे ही बाल नहीं है, कटाऊँगा तो और बिल्कुल, वो तो ये है कि अब सर काला होना चाहिए तो सर गोरा होता जा रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो भाई बिल्ली का बच्चा, ये नींबू घूमते घूमते आ गई, एओ, एओ, एओ। ये खेल रही है, तो बाल कटवाने के बाद ऐसा कुछ सीन बना है, यहाँ से छोटे करवा दिए, यहाँ पे उसने कट मार दिया ताकि एक ना आउटलाइनिंग बनी रहे, यहाँ से थोड़े से कर दिए, पीछे से भी छोटे कर रखे हैं, और यहाँ पे मैंने ना ब्लेड लगवाई, ब्लेड लगाने से चमक जाता है यहाँ पे,
मशीन मारी उसने, मशीन करते करते मेरी आधी भवरे भी उड़ा दी उधर यहाँ से। अभी नया सीख रहा था, मेरी आधी भवरे उड़ा दी उसने। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। तो भाई आज की वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। किसने भवरे उड़ा दी है? यहाँ से हल्की उड़ा दी उसने। तो भाई आज की वीडियो को ये मुझे एंड भी नहीं करने दे रही। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर वीडियो बहुत पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जयमाला, जयमाला नहीं, क्या कहते हैं, नोटों के माला।